बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं आपका मेज़बान वाजिद बाबा और हमारे साथ हमारे सीनियर साफ़ी तजियाकार हनीफ इमरान भट्टी साहब भी मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात जी। नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान के दिल लाहौर और लाहौर के मरकज़ लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। जैसा कि सबको पता है, एक तारीखी फैसला आ चुका है और उम्मीद करते हैं कल एक शेर जी, आप समझ गए होंगे नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, क्योंकि लंदन में जो हालात बने हुए हैं वो सोशल मीडिया भी आपके सामने आया और एक शेरनी वहाँ से फ्लाई करेंगे और पाकिस्तान का रुख करेंगे। हम इस पर ही आज बात करेंगे कि वो जब पाकिस्तान आ रहे हैं या आएंगे तो उसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं जो अगले इलेक्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो भट्टी साहब की तरफ चलते हैं और भट्टी साहब से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल बनने जा रही है, क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि कैप्टन सफदर गिरफ्तार हो चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि देखें, ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए शेर और शेरनी, अब तो वो उसको आप गिद्दड़ ही कह लें तो मैं नहीं समझता कि जिस तरह की वो बातें, मैं माजर के साथ शेर ही समझता था और हमारे पाकिस्तान की खूबसूरत पार्टी थी और नवाज़ साहब का बड़ा यहाँ दबदबा रहा है और बड़ा एहतराम किया जाता रहा है इस कौम और मुल्क ने किया है। लेकिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो बगावत की बू आई है उनके अंदर से, ये एक ख़तरे की घंटी है और मैं समझता हूँ ये ख़तरे की घंटी पाकिस्तान के लिए नहीं है, ना पाकिस्तानी आवाम के लिए है। अब ये सोचना कि जनाब वो पहले भी माजी में गलती हुई और दो टुकड़े हो गया पाकिस्तान, अब उस कौम में सादा सी कौम थी और इस कौम में बड़ा फ़र्क है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ये जानना होगा कि आप 1993 वाले मियां नवाज शरीफ नहीं हैं, ना ही 2000 वाले जी, दो जी वाले, ना ही आप 97, ना ही आप 99 वाले। तब कम बैक किया था, वो बैक आप 10 साल मियां साहब बाहर रहे हैं और आपने वहां जो वक्त गुजारा है बड़ा गैप आ गया है। अब कौम थोड़ी जाग गई है, अब लॉलीपॉप नहीं लेती। ये जो इनकी थी ना, ये एक गद्दार एक आदमी जो है ये वो बातें कर सकता है। अगर ये अल्ताफ़ हुसैन करे तो गद्दार है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करे तो फिर वो नज़रिया है, वो एक बयानिया है। ये जो तजाद है, नून लीगियों को ये सोचना पड़ेगा और इनके मुंह पर टेप लगानी है, क्या करना है करें, इससे पहले कि वक्त इनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि हर बंदा तो निकल निकल के दूसरी पार्टियों में जा रहा है। चंद अफराद रह गए हैं और इनका सिर्फ ख़ानदान रह गया और ख़ानदान में भी आपस में कोई इत्तेफाक नहीं रह गया। अब आप शीन लीग को भी देख लें, वो उनका अपना नज़रिया है। आप मियां शहबाज शरीफ की ज़रा फोटेज चेक कर लें, उन्होंने पिछले 2-4-5 जलसे जितने भी किए हैं उसने कहा जी ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, बस बाकी तरले कर रहे हैं, वो मिन्नतें कर रहे हैं जी। भट्टी साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तरले और मिन्नतों वाली सिचुएशन सिनेरियो नज़र आ रहा है। अच्छा, आप क्या देखते हैं, कहा यह जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर जो है ना इस्लामाबाद या लाहौर एयरपोर्ट जहाँ भी वो उतरे हैं वहाँ पे खड़ा कर दिया गया है अडयाला जेल का, जो कि रूट लेगा और उन्हें वहीं से बैठा के तो अडयाला जेल ले जाएंगे। आप क्या देखते हैं, शोरश जो है ये किस हद तक जाएगी, जबकि दूसरी तरफ जब भी अवामी नुमाइंदे निकल रहे हैं बाहर तो अवाम उनका गिरबान पकड़ी है जी। आप बड़े शरारती हैं, आपको भी पता रंग रोगन हो गया है और जाहिर सी बात है अडयाला जेल ही जाना है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, उनकी भी बड़ी वर्किंग बड़ी है, फील्डिंग इन्होंने कर रखी है नून लीग वालों ने। अब ये एक मतलब अल्लाह ना करे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि सुनी सुनाई बात है, लेकिन ज़रा जो हैं मोतबर ज़रा ये कह रहे हैं कि ये कार्ड कलसूम नवाज का खेलेंगे, जैसे यहाँ आएंगे और इनको गिरफ्तार होंगे साथ ही ऐलान कर दिया जाएगा कि जनाब कलसूम नवाज चल बसी जी, इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजून, फिर यहाँ से और कहानी शुरू होगी और फिर हमदर्दियाँ शुरू होंगी, हमारी कौम को तर्स बड़ी जल्दी आ जाता है। भट्टी साहब पहले मॉडल टाउन पे देखा लाशों पे सियासत तो हमेशा देखते रहे हैं, अब जाती लाशों पे सियासत, जैसे कि बिलावल भट्टो जरदारी अपनी वालदा की लाश पे सियासत कर रहे हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि यकीनन हकीकतन ये जो लाशों पे सियासत वाला मामला है ये कौम को किस साइड पर लेके जाएगा और क्या इससे नून लीग में कोई इस्तेकाम पैदा होगा या उनकी पोजिशन बेहतर होने के चांस हैं? नहीं, इस वक्त तो पोजिशन में बेहतरी नहीं आ सकती, उसकी वजह लोग जान चुके हैं। ये जो खेल खेलते रहे हैं इक्तदार में बैठकर, इन्होंने अवाम की आज तक सोची है? जब इनको फिक्र लाहक है तो अवाम की फिक्र उस वक्त लाहक क्यों नहीं हुई? अब इनको वोट की इज्जत का ख्याल आया, वोटर की इज्जत का ख्याल क्यों नहीं आया? ये मैं नहीं कह रहा, अब आएँ चलते हैं अवाम से बात कर लेते हैं, जिस वजह से हम यहाँ आए हैं। ये पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी।
ہمارے ساتھ ایک جو ہے نا شہری موجود ہیں اور وہ یہاں پہ آپ کے سامنے لیبرٹی میں سیر کرتے ہیں، لیکن ان سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ الیکشن قریب ہے، سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ اپ کمنگ الیکشنز میں ووٹ کس کو دینے جا رہے ہیں، کس پارٹی پہ، کس کے نشان پہ، انتخابی نشان پہ ٹکٹ لگانے جا رہے ہیں؟ السلام علیکم، سوال کا اور اضافہ کر دوں، اب تک کتنے لوگ آپ کے دروازے پہ دستک دے چکے ہیں؟ جی ابھی تک تو کسی نے نہیں دی، لیکن ہمارا شروع سے نون لیگ کو ووٹ جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی نون لیگ کو ہی جائے گا ووٹ۔ نون لیگ کو ہی کیوں؟ بس انہوں نے کام کیے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں ان کے کام۔ نہیں، پانچ سال آپ کا، ہم آپ کو کہیں کہ آپ یہ دیکھیں، بجلی پہلے جاتی تھی 12-18 گھنٹے، اس میں کمی آئی ہے، لاہور کی روڈیں صحیح ہوئی ہیں، میٹرو بنی ہے اور کافی کام انہوں نے کیے ہیں، اب الحمد للہ ہم خوش ہیں۔ اچھا یہ اورنج ٹرین ہے آپ کے سامنے، پچھلے 4 سال سے بن رہی ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ بھی نہیں تھا، 2-3-4 دفعہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ڈیڈ لائنس بھی دی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہاں تقریباً 27 کلومیٹر لمبی ہے، کھدائی بھی ہوئی، بہت ساری گرد مٹی ٹھیک ہے وہ چلی۔ اس پروجیکٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا یہ کام کیا ہے یا لاہوریوں کو مشکل میں مبتلا کیا ہے؟ لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ کافی حد تک انہوں نے پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور الحمدللہ عوام سکون میں ہے۔ کیا لاہور پاکستان صرف لاہور میں ہے، یا نواز شریف صاحب قومی لیڈر تھے یا صوبائی لیڈر تھے؟ نہیں، آپ دوبارہ انہیں موقع دیں انشاءاللہ وہ باقی بھی، یعنی کتنی بار موقع دیں، اس دفعہ دوبارہ موقع دیں انشاءاللہ وہ آگے آنے والے وقت میں انشاءاللہ۔ نام کیا سر آپ کا؟ نبیل۔ تو کل تو انہیں نبیل صاحب گرفتار کیا جا رہا ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ جیسے وہ یہاں پہ لینڈ کریں گے آپ کے سامنے معاملہ چل رہے ہیں، نیب حکام جو انہیں پکڑنے کے لیے بیتاب ہیں۔ جی جی، اب ان کی بیڈ لک کہیں گے یا کیا کہیں گے، تو یعنی انہوں نے کرپشن کی ہے۔ ہاں جی، جو بھی حکومت ہے یہ کرپشن تو انہوں نے کی ہے، کرتے ہیں لوگ، سیٹ ہی ایسی ہے۔ یعنی فیصلہ صحیح آیا ان کے خلاف؟ ہاں، اگر کرپشن کی ہے تو فیصلہ ٹھیک ہے ان کے لیے۔ جی جی، ہمارے ساتھ یہ شہری موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہر حکومت میں جو نمائندے آتے ہیں وہ کرپشن تو کرتے ہیں، اور کرپشن کرتے ہیں تو پکڑے بھی جانا چاہیے، ان کے خلاف احتساب بھی ہونا چاہیے۔ ہم مزید آگے چلتے ہیں اور یہاں پہ جو ہمارے ساتھ ہمارے شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ جی ناظرین، آج لاہور کا موسم بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور شہری جو ہے نا باہر نکلے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، ان کی طرف بھی چلتے ہیں اور ان سے بھی ان کے تاثرات لیتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام؟ جی رئیس عثمان طارق۔ جی رئیس عثمان طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپ کمنگ الیکشنز میں کس کو حکومت میں دیکھ رہے ہیں اور اپنا واس کس کو کاسٹ کر رہے ہیں؟ جی جی الحمد للہ، ہم تو خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں، اور لاسٹ ایئر بھی خان صاحب کا ہی تھا کہ انشاءاللہ گوٹ اٹ آف وزیر اعظم پاکستان، تو ابھی بھی خان صاحب ہیں، وی آر آلویز سپورٹنگ عمران خان پاکستان۔ کس حلقے سے ہیں آپ؟ میں 126۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جو آپ کے پچھلے کینڈیڈیٹ تھے وہاں پہ 5 سال جنہوں نے حکومت کی، حکومت میں رہے، مہر اشتیاق صاحب اور رانا مشہور صاحب جو کہ صوبائی اسمبلی میں رہے، ان کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں، کتنا کا کام ہوا آپ کا، آپ کے جو یونین کونسل ہے اس نے کتنا کام کیا، کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے یونین کونسل والے اور جو رانا مشہور جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ پرانے ان کا سبھی کا فوکس یہ تھا کہ وہ لاہور کو مٹی سے بھرنا، تو سبھی نے مل کے شہباز شریف کے ساتھ، نواز شریف، سب لوگ ایک ہی گینگ ملی ہوئی ہے، سب نے مٹی میں بھرا ہے اور روڈ پہ کام کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ، بلکہ روڈ کی آپ بات اس طرح کر سکتے ہیں، ریسنٹ بھی آپ دیکھ لیا ہوگا جو بارش ہوئی ہے، تو روڈ جو بنائے ہوئے تھے وہ بھی نظر آ گئے سب کو۔ آپ کس ایریے میں رہتے ہیں 126 میں؟ میں ایچ بلاک میں، گلبرگ ایچ بلاک۔ اچھا گلبرگ ایچ بلاک میں رہتے ہیں؟ اچھا نہیں گلبرگ۔ اچھا اس کے علاوہ آپ کیا صورتحال سمجھتے ہیں کہ آنے، اب یہ جو کل نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ واپس وطن آ رہی ہیں، آپ ان کو کس طرح نظر میں دیکھتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں، کیا ان پہ جو الزام لگے تھے وہ درست تھے، فیصلہ درست آیا ہے، اور ان کی جو سزا مقرر کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، انہیں سزا ہونی چاہیے تھی، کیا انہوں نے کرپشن کی تھی؟ یس آئی ریلی سلوٹ ٹو چیف آف پاکستان کہ انہوں نے اس کی سزا جو ہے، لیکن وہ بہت کم سزا ان کے لیے۔ جسٹس صاحب کی بات کر رہے ہیں نا؟ جسٹس صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں سلیوٹ کرتا ہوں،
कि उन्होंने इनकी सजा तो बहुत ही कम रखी है, लेकिन इससे बढ़ के होनी चाहिए थी। और जो अब बिल्कुल भी एज कम्पेयर टू द करप्शन सजा इनकी बहुत कम है। और मैं आज भी न्यूज़ सुन रहा था, उस पर भी था कि हेलीकॉप्टर जो है उसके जरिए लाहौर इलामे को वाले एयरपोर्ट से अडियाला जेल का सफ़र रहेगा। तो आई एम सो हैप्पी कि मैं देख सकता, लेकिन आई एम कमिंग टू आउट ऑफ कंट्री, तो बट आई एम विद पाकिस्तान, आई एम ऑलवेज सपोर्टिंग टू पाकिस्तान। जी ये कह रहे हैं कि आई एम विद पाकिस्तान, आई एम ऑलवेज सपोर्टिंग टू पाकिस्तान, और हर शहरी ये कहता है, आवाम यही कहती है, वी लव पाकिस्तान, वी आर नेशन। जी मजीद आगे चलते हैं, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं वो क्या कह रहे हैं। जी एक्चुअली मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अभी आई हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं वोट दूँ, लेकिन मेरा वोट फॉर श्योर पीटीआई को ही जाएगा। आप कहाँ रहते हैं पहले? मैं वैसे यूएसए में रहती हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में आई हूँ स्पेशली इसी चीज़ के लिए कि इस दफ़ा मैंने वोट देनी है। अच्छा, हाँ। तो खर्चा करके आए हैं? हाँ। कौन सा आपका? हल्का, मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हल्का रहते कहाँ हैं? मजंग में। अच्छा, 125। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि पीटीआई को दें, हालांकि सारे वहाँ पे नून लीक ही हैं। हाँ जी, प्रॉब्ली बल्ले को 100%, मेरा तो 100%। नहीं नहीं, वो पीछे खड़े हुए ना नून लीक के साथ हैं, वो हम उन्हें भी फोर्स करें, नहीं आप पीटीआई के साथ ही देंगे। हाँ बिल्कुल। गुलबर्ग में हम इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे, इमरान खान को वोट देंगे। खिलाड़ी क्यों नहीं है, सियासत का एक नया बंदा है, उसको एक आना चाहिए उसको सियासत में, और उसको मेरे ख्याल से एक नए बंदे को आजमाना चाहिए। बाकियों को तो आजमा चुके हैं काफ़ी चीज़ों को, करप्शन उसमें साबित हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तब्दीली इतनी कोई नज़र नहीं आ रही। जो उसका नज़रिया है इमरान खान का कि मैं तालीम सेहत और इन चीज़ों पर काम करूँगा, तो उसके नज़रिए के मद्दे नज़र रखते हुए तो हम वोट इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। आजमाते नहीं रहे, देखिए बाकी हालात आपके सामने हैं, कैसे हिला रहे हैं, महंगाई कितनी ज़्यादा है, लोड शेडिंग भी बढ़ रही है, हर चीज़ मतलब ख़त्म है, पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो एक नए बंदे का जो नज़रिया है मेरे ख्याल से, तो उसको एक मौका देना चाहिए, हमें एक मौका दे के उसको आजमाना चाहिए कि वो क्या तब्दील, जो उसका नज़रिया है उसके ऊपर पूरा उतरता है कि भी नहीं। क्योंकि इसको तो हम 15 साल से मतलब देख ही रहे हैं, नवाज शरीफ को 15 साल से वो कर रहे हैं जो भी हो रहा है, लेकिन वहाँ का वहाँ ही है, कोई इतना कोई चेंजिंग नहीं है, चेंज नहीं आया। जी बहना क्या कहेंगे आप? कुछ भी है, मैं कुछ भी कहूँगी, मैं तो नून लीग को दूंगी वोट। मैं नून लीग को दूंगी वोट। मियाँ साहब कहते हैं हम जो है पीटीआई को देंगे, लेकिन बड़े हौसले वाली खातून है मियाँ साहब के सामने ही कह रही हैं कि जनाब मैं नून लीग को वोट दूंगी। बहुत अच्छी बात है, ये है घर में जो इनकी चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ बेटा, क्या करते हैं आप लोग? मजदूरी करते हैं, तो वोट भी तो होगा आपका यार, पाकिस्तानी है इसमें हमारा जो 98 खान साहब को देखें, वोट खान साहब के आ जाए जी। खान साहब का वोट कहाँ रहते हैं? बावलपुर में। वोट खान साहब को देंगे जी। तो वो जो चन्नर साहब हैं वो क्या करेंगे? चन्नर साहब को हमारे अच्छा जी, खान साहब को देंगे। पक्का वोट है आपका? जी बिल्कुल। कितने अफराद हैं? 5 हाँ। नौजवान कितने? आपकी फैमिली होगी पूरी? हाँ जी जी जी। तो कितने लोग बन जाते? 5। सब पीटीआई? जी पीटीआई। क्यों भाई? वो खिलाड़ी आदमी है, उसको क्या पता सियासत का? नहीं, वो पहली बार है, उसको देना चाहिए मौका। नहीं, क्यों आप कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया, हम तो वही मजदूरी कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि मजदूरी में फिलहाल कुछ भी नहीं है, अभी तक हमारे लेबर रेट भी वही हैं और मजदूर की वही मजदूरी है। हॉस्पिटल कभी जाना पड़ा तो सहूलियात मिलती हैं? सहूलियात कभी नहीं मिलती। जाएं, ये सबसे बड़ी बात की है इस बच्चे ने, पता नहीं इसने अनजाने में की है या सूझबूझ है इसको। ये हमारे मुल्क का जो गरीब है, जो मजदूर है, इस वक्त उसके लिए कोई शेड्यूल तय नहीं है। 15,000 महंगाई के इस दौर में, और वो 15,000 भी पूरा नहीं मिलता। अगर आप सिक्योरिटी एजेंसीज़ को देखें तो 9,000 से 10,000 एक छुट्टी भी नहीं है। और ये बच्चे अगर कहीं काम कर रहे होंगे 300-400 रुपया दिहाड़ी पर लगे होंगे, बहुत ज़्यादा इनको 500 भी मिलता होगा, तो कभी मिलता होगा तो कभी नहीं मिलता होगा। यानी मज़दूरों के लिए
कोई पॉलिसी इन 10 सालों में खादिम आला नहीं बनाई। ये बच्चा बहुत दुरुस्त बात की इसने। मैं समझता हूँ आज मेरी कौम जाग गई है, जब कौम जागती है तो फिर इनकलाब आता है और फिर तब्दीली आती है। आइए जानते हैं किसी और दोस्तों से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो कि लिबर्टी में अपनी फैमिली के साथ और बच्चों के साथ मौजूद हैं। यहाँ पे उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इलेक्शंस के हवाले से और अपने वोट के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम और आप किस हलके से हैं? मैंने 130 से हैं, ख्वाजा अहमद हसन को हम सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या क्या देखते हैं पहले तो ये बताइएगा, आप ख्वाजा अहमद हसन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, अब जो अगला इलेक्शन आ रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि पीटीआई का जोर जो बहुत ज़्यादा है, आप किस साइड पे जा रहे हैं? पीटीआई का जोर लेकिन देखने को नज़र तो आ रहा है, लेकिन हमें कोई जीत का मुकम्मल तरीकाकार नहीं उनका नज़र आ रहा। हम तो आप किसे वोट डालने जा रहे हैं? आठ साल से हम सपोर्ट कर रहे हैं नून लीग को, 8 साल हो गए हैं। ठीक है, हमारे 30-40 साल से जो काम रुके हुए थे हमारे इधर गार्डन टाउन के, वो ख्वाजा अहमद खान की निगरानी में हुए हैं और हमने खुद खड़े होकर करवाए हैं। तो 8 साल से पहले किसे सपोर्ट करते थे आप? 8 साल से हमने किसी को भी नहीं सपोर्ट की, हमारे बड़ों ने सिर्फ हमें एक ही चीज़ समझाई है कि चलना है तो नून लीग के साथ चलना, वरना नहीं चलना। मेरी गुजारिश ये है कि गार्डन टाउन के काम आप देखें ना, काम उनका काम था कानून साजी, ये जो काम है तो डिप्टी कमिश्नर के काम है, लोकल गवर्नमेंट के काम है, इस वक्त पाकिस्तान के काम आना चाहिए, कौम के काम आने चाहिए। आप इंडिविजुअल अपनी अपनी काम लेके बैठ जाएंगे तो फिर ये मुल्क तो यानी कौम तो ख़त्म होगी ना सर। नहीं, लेकिन हमारी तो कोशिश है कि ठीक है, नया आदमी भी आना चाहिए, आवाम शोर कर रही है कि इमरान को आना चाहिए, लेकिन अच्छी बात है इमरान आए, लेकिन हमारी नज़र में तो फिलहाल अभी हम पार्टी। गार्डन टाउन में आपके कौन से ऐसे काम थे जो कि ख्वाजा हसन अहमद साहब के बगैर नहीं हो सकते थे? हमारे गार्डन टाउन में जो काम थे वो पीपल पार्टी के दौर के काम रुके हुए थे, सीवरेज का काम था, लाइटिंग का काम था। आप ठीक है, शादीशुदा हैं? जी। बरादरी में शादी की है? नहीं, रिश्तेदारों में। रिश्तेदारों में की है? रिश्तेदार बरादरी होगी ना जी। क्या काम करते हैं? सर गारमेंट का काम है, क्रीमला। तो कोई बार्गेनिंग तो करते ही होंगे आप, जाहिर है भाव तो करते होंगे चीज़ें जब खरीदते हैं, कारोबार कामयाब कारोबार लग रही है, जाहिर सी बात है। हाँ। कितने से कारोबार कर रहे हैं? मुझे सर ये कम से कम ये गारमेंट में तीसरा चौथा साल है। तो जब ये आप अपने कारोबार को तो बड़ी मतलब जांच पड़ताल करते हैं, तो जब ये कौमी फरीदा आता है तो आप कहते हैं जी बस ठीक है जी, उन्होंने मेरा सेवरेज, यहाँ सिर्फ सेवरेज पर ज़िंदगी रुकती है? नहीं सर, सीवरेज पर नहीं रुकती, और भी काम है जो घरेलू काम भी लेते हैं हम, कोई नौकरियों के, कोई डॉक्टरी सिफारिश भी, हॉस्पिटलों के। एजुकेशन और जो आपकी हेल्थ है वो सबसे बड़े मसाइल हैं इस मुल्क के, उस पर आप क्या कहते हैं? कभी आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं और आपको वहाँ पर कैसी सहूलियात मिली हैं? सर सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ मैं सर्विस में या मेयो अस्पताल में गया हूँ, तो सर्विस की तो पहले 1 रुपीस फीस थी, अभी तो बिल्कुल फ्री कर दी उन्होंने। ठीक है, अच्छी सर्विस है, पर्ची लेते हैं और आराम से दवाई लेके वापस आ जाते हैं। चले, थैंक यू जी। नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अवैस नाम है जी। कहाँ रहते हैं? धर्मपुरा में। धर्मपुरा में रहते हैं, तो लोग अब दस्तक दे रहे होंगे, घरों में आ रहे होंगे, और ख़ासतौर पर यूथ 60% है हमारी मुल्क की, तो अब तो बड़ी मिन्नतें तरले हो रही होंगी, बड़े ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। पूरे 5 साल ये कहीं नज़र नहीं आते, और बस ये एक दो महीने होते हैं जो कंपेन के होते हैं, गली गली मोहल्लों मोहल्लों में आपको बड़े बड़े शेरों यानी बड़े बड़े खाओं को देखेंगे कि वो घर के दरवाजे खटखट दे के और सलाम लेते हैं, एक बंदा भी खड़ा होगा तो उससे भी सलाम लेंगे आगे, क्योंकि इनको ज़रूरत है इस टाइम, और ये आते हैं ज़रूर अपने ही सिर्फ मफाद के लिए। किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह पीटीआई को। अच्छा, कल नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ आ रही है वापस, ठीक है, उसके बारे में क्या कहते हैं? कैप्टन सफदर को तो पकड़ लिया है नैब ने, उनके बारे में क्या कहते हैं? क्या करप्शन की है उन्होंने? सर 100% की है,
अगर ना की होती तो वो नए पागल है कि उनको सजाएं देती, नए पागल है कि किसी को 10 साल की कैद देते, 7 साल की कैद देते, 1 साल की कैद देते। सजा कम तो नहीं है उनकी? सर सजा जितनी भी है ना, जितनी भी है सजा हुक्मरानों के लिए कुछ नहीं है। टीवी इनको दी जा रही है, फ्रिज इनको दी जा रही है, हर एक फैसिलिटी इनको दी जा रही है। इन्होंने जेल में नहीं जाना, इन्होंने अपने एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाना, ठीक है। इनको कोई सजाएं नहीं दी जा रही, हमारे जेलों में आके जेलों में रहेंगे, वहाँ रहेंगे, कहीं नहीं रहना उन्हें। इन्होंने रहना आम आवाम के क्या मसाइल हैं, आप क्या देखते हैं? उन्हें तो फ्रिजें जेलों में मिल रही हैं, सहूलियात जेलों में मिल रही हैं, आम इंसान के पाकिस्तान में क्या मसाइल हैं? सर आप यहीं पर देखें, थोड़ा सा आगे जाएँ, आपको आवाम नंगे नजर आएंगे, बैठे हैं, कोई खाना पीना नहीं उनको मिल रहा, कोई फैसिलिटी नहीं है उनको, को पाकिस्तान के शहरी हैं कि नहीं है। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हमारे साथ शहरी मौजूद थे, आवाम मौजूद थी, और आपने उनके तासरात सुने। हमारे साथ भट्टी साहब भी मौजूद हैं, अब उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आवाम कुछ कह रहे हैं कि हम नून लीग को वोट देंगे और कुछ कह रहे हैं पीटीआई की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब से पूछते हैं ये क्या देख रहे हैं आने वाले टाइम में, 25 जुलाई को किसकी फतह का झंडा ये देख रहे हैं? जी भट्टी साहब आप क्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि एक ही खानदान के अफराद, स्पेशली मियाँ बीवी, मियाँ साहब कह रहे हैं पीटीआई की तरफ, और उनकी जो जौजा है वो कह रही है कि मैं नून लीग को दूंगी, दबे लफ्जों में यही कहा। तो ये जमहूरियत असल जमहूरियत का जो है ना नमूना है, आप क्या कहते हैं? जी मैं गुजारिश ये करूंगा, देखें आप ये देखें कि पीटीआई ने तब्दीली आनी रही, तब्दीली आ चुकी है, और यूएसए से लोग यहाँ आए हैं वोट डालने के लिए, ये इतनी बड़ी तब्दीली है, और लाखों रुपया लगा के आए हैं, अपने वतन की मिट्टी से इतनी मोहब्बत करते हैं, और वो वोट देने आए हैं सिर्फ यहाँ वोट, और वो भी पीटीआई को, ये एजाज़ भी खान साहब को जाता है। दूसरी बात, हमने अगर 10 लोगों से पूछा है तो उसमें से 6 ने कहा है पीटीआई, 4 ने कहा है कि जनाब नून लीग, तब्दीली नज़र आ रही है, ठीक है। अब 4 लोग नून लीग के हक में हैं और ये होना भी चाहिए। देखें नज़रिया अपना अपना होता है, अब नून लीग को भी जिंदा रहना चाहिए, पार्टी का खात्मा नहीं होना चाहिए। पार्टी से जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जिन्होंने लूटमार की है, करप्शन की है, उन खानदानों का खात्मा होना चाहिए, ना कि पार्टी का खात्मा होना चाहिए। अब यहाँ पर जब पीपल्स पार्टी को देख लें, जरदारी साहब जब से उन्होंने टेक ओवर किया और पार्टी संभाली, आपके सामने है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो चारों सूबों की जंजीर कहा जाता था उसको, आज उसका नाम और निशान लेने वाले कम रह गए हैं। मैं नहीं कहता कि ख़त्म हो गई है, कम रह गए हैं। जी भट्टी बिल्कुल सही, लेकिन सरदारी साहब ख्वाब देख रहे हैं कि जनाब मैं हुकूमत बना। हाँ जी, दूसरी बात ये है कि अब यूथ जो है, जो 60% है, अब इनके आईडी कार्ड बन चुके हैं, बहुत मुश्किल है अब नज़रिया जो इमरान खान का उसको हराना। जितनी मर्ज़ी आप नोटू लगा लें, बड़े बड़े जो चौधरी होते हैं गाँव अपने मोहल्ले में, गली में, गाँव में, उनको ख़रीद लें, ये यूथ काबू नहीं आएगी, ये बिकाऊ माल नहीं है, इनको अपना मुस्तकबिल अजीज़ है, इन्होंने इमरान खान के लबैक कह दिया है, आप देख लीजिएगा ये यूथ का ठप्पा जो है वो, और सिर्फ पीटीआई को जाएगा। जी भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने करप्शन की भी बात की जो कि नासूर है, उसको भी जड़ से उखाड़ के फेंकना, और साथ ही साथ इन्होंने बात की है कि यूथ के आई डी कार्ड्स बन चुके हैं उनके हाथ में, जो क्रिकेट के जुनूनी है वैसे भी बल्ला है, और अब वो अगले इलेक्शन में उम्मीद करते हैं कि बल्ले पे मोहर लगाने जा रहे हैं, और पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ना बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ मैं अपने नाज़रीन के लिए एक मैसेज छोड़ना चाह रहा हूं। आपने देखा है कि एक एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं हमारे मुल्क में, और इसमें भी तब्दीली की ज़रूरत मौजूद है। एक मुहिम शुरू हो चुकी है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शुरू की है, मैं नाज़रीन से इल्तमास करूँगा कि वो भी इस कार्यखैर में हिस्सा डालें ताकि हमारे एनर्जी क्राइसिस जो है वो दूर हो सकें। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, अल्लाह नेकबान।